हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों 2018 से लेकर के 22 तक की गाड़ियों में सबसे ज़्यादा जो टॉप सेलिंग पे रही है, जो कि इंडिया में पहली बार लॉन्च हुई है, किया और सेल्टोस, और किया के अलावा जैसे MG हेक्टर की जो गाड़ी, ये दोनों कंपनियों ने इतना ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे माहौल बनाया है, इतना जल्दी लोगों के दिलों में इतनी जल्दी इन्होंने जगह बनाई है, जो कि शायद और गाड़ी इतने जल्दी समय में जगह नहीं बना पाई। आज इन्हीं में से सबसे टॉप सेलिंग पर रहने वाली जो गाड़ी है, टक्कर देने वाली, से क्रेटा वगैरह को टक्कर देने वाली जो गाड़ी थी, वो थी किया की सेल्टोस गाड़ी। और दोस्तों आपको पता है कि किया की सेल्टोस गाड़ी की लाखों यूनिट्स अपने इंडिया में सेल हो चुके हैं। हालाँकि अभी तक इसका जो फेसलिफ्ट वर्जन की यहाँ पे कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि जो पुराना वाला जो वर्जन था उसी को लेकर के लोगों में काफ़ी प्रेम और इसके प्रति जो प्यार है वो काफ़ी बना हुआ है। हालांकि ऑफिशियल हिसाब से गाड़ी को देखा जाए तो अभी तक अनाउंस की इसके कुछ भी अपडेट्स वगैरह यहाँ पे इंडिया में नहीं है, लेकिन आउट ऑफ जो कंट्रीज़ वगैरह वहाँ पर किया सेल्टोस कुछ वीडियोज़ वगैरह लीकेज हो चुके हैं। उन्हीं लीक वीडियोज़ को हम आज आपके सामने शेयर करने वाले हैं। मतलब जो फेसलिफ्ट आ रहा है वो खतरनाक तरीके का आने वाला है, और कैसा क्या कंप्लीट अभी वीडियो में आप जैसे देखोगे तो कंप्लीट आपको सब पता लगने वाला है। चलिए हम करते हैं बिना देरी किए हुए जो किया की जो सेल्टोस गाड़ी है उसके बारे में डिटेल से हम बात करते हैं। गाइज ये है आपके सामने किया की सेल्टोस गाड़ी। किसी भी रोड पर जाओ, इसकी जो रोड प्रेजेंट्स है गाड़ी की खतरनाक तरीके की होती है। हर रोड के ऊपर हर जगह पे आपको ये गाड़ी देखने को मिल जाती है। इसके जो इस बार टेल लैंप्स वगैरह में जो बदलाव किए हैं वो आपके सामने भली भांति तरीके से आप देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया तरीके से इसको कर रहे हैं। जो इसका फेस लिफ्ट आने वाला है, हालांकि आउट ऑफ कंट्रीज़ में भी लीकेज इसके पॉइंट्स कुछ मिल ही रहे हैं, वीडियोज़ वगैरह लीकेज हो रहे हैं, वहाँ पर रिलीज़ अभी तक किया नहीं गया है। लेकिन ये मानो कि 2023 में अपने इंडिया में, ये 2023 जून जुलाई में भी इंडिया में आ जाएगी ये गाड़ी, क्योंकि करीब 3 से 4 साल इस गाड़ी को हो चुके हैं और एक ही एक डिज़ाइन में लोग बोर हो चुके हैं। अब इसी की सेगमेंट की जो गाड़ियाँ देखें अपन, किया की और जो मारुति की गाड़ियों में भी काफ़ी बढ़िया तरीके से इसमें फीचर्स वगैरह आ रहे हैं। इसी के आधार पर इनको भी लग रहा है किया वालों को, क्योंकि हम भी कम से कम इनमें जो फीचर्स वगैरह, जो कुछ ना कुछ हम इसमें बदलाव ज़रूर करने चाहिए। उन्हीं के आधार पर जो इसका फेसलिफ्ट वर्जन आया है किया की, जो सेल्टोस का फेसलिफ्ट आया है, बहुत ही प्यारा है और पहले वाली गाड़ी से बहुत ही अलग तरीके का होने वाला है। हम बात करते हैं धीरे धीरे इसकी चीज़ों के बारे में। तो फ्रंट से आपको लुक देखोगे तो फ्रंट से लुक इस तरह से रहेगा। पीछे की तरफ आप देखोगे तो टेल लैंप्स पूरा का पूरा, पूरी की पूरी लाइट ब्लिंक करती हुई जलती हुई नज़र आपको यहाँ पे आने वाली है। साथ ही इसमें शार्प एंटीना भी रहने वाला है, और इसके जो टेल लैंप्स है बिल्कुल ऐसे नीचे की तरफ झुके हुए हैं, बहुत ही प्यारे आपको लगने वाले हैं। और देखो लाइटिंग देखो इसकी इस तरह से रहने वाली, पीछे तरफ जब इसको नाइट में जलेगी, निकलेगी रोड के ऊपर, तो अलग ही रोशनी और अलग ही व्यू आपको ये देगी ये गाड़ी। उसके अलावा यहाँ पर जो इसके किए को जो रियर टेल लैंप्स है वो भी गजब तरीके के रहने वाले हैं, क्योंकि पूरे के पूरे जो पीछे का जो बैक लुक है, हालांकि जो अभी इस वक्त की जितने भी गाड़ियां आ रही है सभी में जो इस वक्त का जो कह सकते हैं कि बैक और जो टेल है वो बहुत ही प्यारा आ रहा है। और यहां पर इसके जो इसमें 16 और 17 इंच के जो अलॉय व्हील है, अलॉय व्हील में तो खैर हमेशा से किया एक से बढ़कर के एक अलॉय व्हील लेकर के आती है, क्योंकि इनका जो लुक्स और डिजाइनिंग है ड्यूल टोन के साथ में आपको ये बेहतरीन तरीके का यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। एक अलग ही इमेज आपकी किया के सामने यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर बात करते हैं इसके फ्रंट से भी, तो फ्रंट में भी आपको गाड़ी का एक लुक अलग से ही देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ पर इसमें जो फंक्शंस वगैरह है, सीट वगैरह के जिसमें वेंटिलेटेड सीट है, आपको इसमें मिलने वाली है। फॉग लैंप की डिजाइंस वगैरह की बात करें तो यहाँ पे सिल्वर क्लोम फिनिशिंग के साथ में आपको ये देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो उसकी जो आगे की तरफ जो लाइनिंग वगैरह काफ़ी बढ़िया तरीके का आपको देखने को इसमें मिलने वाली है। पहले की जो गाड़ी थी उसमें अलग तरीके के DRLs थे, लेकिन इस बार इन्होंने कुछ अलग तरीके के DRL इन्होंने किए हैं, क्योंकि जो इस वक्त जो ब्रेजा लॉन्च हुई है सेम उसी के सेगमेंट को देखते हुए और अलग ही उसी के प्लेटफॉर्म पर उतरती है ये गाड़ी, सेम जैसे ही क्रेटा के प्लेटफॉर्म की गाड़ी है। तो दोनों को टक्कर देने के लिए किया भी इस बार को अच्छा ही लेकर के आने वाली है। इंटीरियर में देखे या आउटडोर में देखे तो काफ़ी बेहतरीन गाड़ी है ये, क्योंकि और गाड़ियों से तो बेहतर है यहाँ पे। बस ये गाड़ी अगर पिटती है कहीं ना कहीं तो माइलेज को लेकर के पिटती है। साथ ही यहाँ पर इसको ऑटोमेटिक फोल्डेबल जो ORVM है वो काफ़ी बढ़िया तरीके के यहाँ मिलने वाले। इसका जो सेकंड वर्जन है, क्योंकि इसमें देखो इस बार आपके जो अलॉय व्हील है ये सामने आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पर आपको ड्यूल टोन में नहीं मिल रहे, और एक प्यारा सा कंसोल के साथ में एक ब्यूटीफुल सा लुक आपको यहाँ पर इसके फ्रंट में देखने को मिल रहा है अंदर की तरफ इंटीरियर में। और इंटीरियर में दोस्तों बात करें तो यहाँ पर ये गाड़ी क्योंकि आउट ऑफ कंट्रीज़ है, तो वहाँ पर लेफ्ट साइड में आपके स्टेयरिंग वगैरह होती है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं लुक जो इंस्पायर है मेरे हिसाब से ये है कि जो XUV700 महिंद्रा की जो गाड़ी आई थी उसके जैसा इसका क्लाइमेट कंट्रोल और जो इसके म्यूजिक
कंट्रोल है और इंफोटेनमेंट सिस्टम है, कहीं ना कहीं लंबा सा इस तरह से दिया हुआ है और पूरी की पूरी स्क्रीन आपको बिल्कुल फ्रंट में रहने वाली है, तो आपको मैप्स वगैरह देखने में आपको कहीं पर भी कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। साथ ही यहाँ पर लेदर फिनिशिंग के साथ में ड्यूल टोन के साथ में आपको ये यहाँ इसका डैशबोर्ड मिलने वाला है। ऑटोमेटिक वेरियंट में देखो तो आपको फ्रंट में से ये गाड़ी का लुक बहुत ही प्यारा मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों एक बात है कि जो आउट ऑफ कंट्रीज में जो गाड़ियाँ लॉन्च होती है और इंडिया में जो लॉन्च होती है उनमें कहीं सारा फर्क चेंजेस आपने को देखने को मिल जाता है। यहाँ पर इसमें आपको देखो कि ये जो ड्यूल टोन में आपको लेदर वगैरह की फिनिशिंग यहाँ पे मिल रही है, क्या पता यहाँ पे आए एक नहीं आए या क्या चीज़ है, वो तो लॉन्चिंग के बाद में ही देखेंगे। लेकिन हालांकि जो दोस्तों ये जो गाड़ी के लीकेज वगैरह आ रहे हैं ये बिल्कुल फाइनल है, यही गाड़ी आने वाली है। क्योंकि जो एक अलग तरीके से जो अलग प्रेजेंट करती है किया को, वो इसी के आधार पर किया अगर फेमस हुई है तो सिर्फ सेल्टोस के आधार पर फेमस हुई है। और कहीं ना कहीं जो इंस्पायर है वो मारुति की जो गाड़ियां है, महिंद्रा की जो गाड़ियां है, एक दूसरे से इसी की सेगमेंट को देखते हुए एक दूसरे की कॉपी करते हैं और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिटेल्स अपने को इसमें देखने को मिल जाती है। चलिए दोस्तों वीडियो में कुछ इतना ही, और आप कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा क्या लगा। लाइक करिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में भेजिए वीडियो को। जो भी है मुझे इस ऑफिशियली तरीके से बताऊं तो इसका जो बैक लुक है गाड़ी का बहुत प्यारा लगा है। हालांकि देखते हैं थोड़े दिनों बाद में और लीकेज इस गाड़ी के आ जाने वाले हैं, तो तब तक क्या होता है क्या नहीं वो कंप्लीट चीज़ें आप तक पहुंचाते रहेंगे हम। चीज़ें नई नई अपडेट्स के लिए, नई नई चीज़ों के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। इसी तरह अपना प्यार और प्रेम बनाए रखिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।